पुलिस की ड्यूटी का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। ऐसा लगता है कि आज कुछ ज्यादा ही काम था। तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूँ मैं। बताओ कैसा लड़का चाहिए तुम्हें? अभी मैंने सोचा नहीं। कोई बात नहीं। अगर पुलिस वाला होगा तो अच्छा है, ड्यूटी पर कोई परेशानी होगी तो वो समझ सकेगा। दोनों एक दूसरे को समझेंगे। बिल्कुल सही फैसला लिया है, मैं तुम्हारे लिए पुलिस वालों की लाइन लगा दूंगा। क्या? पुलिस कट। इंजेक्शन लगा रही हूँ। हाँ दो। लक्ष्मी, आपकी ड्यूटी भी यहीं पर लगी है सर? हाँ, यही मेल वार्ड में हूँ। ओह, इसकी देखभाल कर, संभाल कर रहना। इसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत खराब है, कल ही इसका पति जेल से रिहा हुआ है। आपकी माँ मानी क्या? अभी तक तो नहीं, वो बहुत ही जिद्दी है। तुम लोग नायर हो और हम शेनोय हैं, इसलिए वो मान ही नहीं रही है। मैंने कितनी बार समझाया लेकिन वो समझना ही नहीं चाहती है। कोई बात नहीं, किस्मत पर छोड़ दीजिए। मैं कोई हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अब एक बार अगर माँ मान गई तो फिर सब सेटल हो जाएगा। अरे आप आ गए, आप कितने दुबले हो गए जेल में रहकर। तू दुबले ना हो जाए इसलिए तेरे लिए ये लाया। मेरे लिए है? आप कौन हैं? मैं इसका पति हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये अंडर कस्टडी है, आप ऐसे नहीं मिल सकते। मैडम आप 2 मिनट के लिए बाहर रुकिए, मुझे अपनी पत्नी के साथ प्राइवेट बातें करनी है। आप निकलिए यहाँ से और ये लेकर भी जाइए, वरना मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगी। आपको जो करना ही करिए, ये मेरी कंप्लेंट करी की कह रही है। देखिए चुपचाप चले जाइए यहाँ से। नहीं जाऊँगा, क्या करेगी? क्यों, क्या चल रहा है यहाँ? सर इसको जाने के लिए कहा फिर भी नहीं जा रहा है। पुलिस के साथ मजाक करता है? अरे पुलिस के साथ नहीं, औरत के साथ। तो चल चल चल। अरे साहब इनको मत मारो, मार लो। थैंक यू सर। लक्ष्मी तुम ठीक तो हो ना? मैंने आपको पहचाना नहीं सर, आपको मेरा नाम। देखो लक्ष्मी तुम मुझे नहीं जानती होगी, लेकिन एक्स कांस्टेबल शिवदास मेनन की बेटी लक्ष्मी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वैसे मैं रिटायर्ड हेड कांस्टेबल रवि मेनन का बेटा कुंजन मेनन हूँ। मेरे पिता और आपके पिता बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, वैसे ही हम भी अच्छे दोस्त बनेंगे। आप किस स्टेशन से हैं? स्टेशन से नहीं, कैंप से हूँ। मैं CBI में अच्छी पोस्ट के लिए ट्राई कर रहा हूँ, इसलिए फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने के लिए DMO साहब से मिलने आया था। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, वरना उस मवाली को भगाने में तो मेरी जान ही निकल जाती। उसने आपको परेशान किया ना, देखो मैं क्या करता हूँ उसका। लक्ष्मी तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है मैं चलता हूँ। मेरे पिताजी के दोस्त उन्हें उन्नी बुलाया करते थे, इस वजह से वो पूरे गांव में इसी नाम से फेमस हो गए। लोग मुझे उन्नी का बेटा कुंजन बुलाने लगे, तब से मेरा नाम कुंजन मेनन पड़ गया। कुछ भी हो मेनन तो है ना। अब जब सब कुछ अच्छा है तो देर करनी ठीक नहीं होगी, अब इनका भी कोई रहा नहीं। वैसे बात तो सही है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते, यही खुशी की बात है। और इसकी शादी के बाद तो मैं तीर्थ यात्रा पे जाऊंगी, काशी रामेश्वरम जाऊंगी और वहीं कहीं आश्रम में अपनी बाकी जिंदगी गुजारूंगी।
ये घर भी मैंने अपनी बेटी के नाम कर दिया है और इसका कामकाज भी अच्छा चल रहा है। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? शादी कर दूंगी तो मैं बंधन से मुक्त हो जाऊंगी। जरा अंदर आइए भाई साहब। थोड़ा खाने के लिए ले लेता हूँ। लक्ष्मी, तुम्हारे बगीचे के फूल बहुत प्यारे हैं। मुझे तो लगता है कि हमें आने में देर हो गई है। लक्ष्मी जल्दी आना बेटा। हाँ, आई माँ। मेरी माँ नहीं मानी। तोड़ दिया दिल मेरा, तोड़ दिया दिल, बेदर्दी तुमने आके क्यों तोड़ दिया दिल। लड़का हुआ है। वासुदेव शेनॉय कौन है? मैं हूँ। लड़का हुआ। आदित्य, मेरा बेटा आदित्य। विक्रम, विक्रम, आदित्य, विक्रम, विक्रम।
विक्रम, उर्म नक्षत्र, बुलाइए उन्हें। विक्रम। क्या है ये? ये लो। पिताजी आप चलिए ना, मैं आता हूँ। जल्दी आ जाना, एसपी साहब के ऑफिस जाना है, हमें उन्हें रिपोर्ट करना है। नमस्ते। दीपिका। हाँ, हम लोग आते हैं। पहली तारीख को मुझे इस शहर का एसआई अपॉइंट किया जा रहा है, डैड भी उसी दिन रिटायर हो रहे हैं। कंग्रेट्स, जो आदित्य हासिल नहीं कर पाया वो तुमने हासिल कर लिया। अब तक मैंने अपने करियर के अलावा और कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन अब लाइफ में एक इंपॉर्टेंट स्टेप लेने जा रहा हूं। तुम अब भी आदि का इंतजार कर रही हो? किसी को भुला देना इतना आसान नहीं होता, ये मैं जानता हूं। मैं नहीं चाहूंगा कि तुम पूरी जिंदगी उसका इंतजार करती हो। अगर सुधरना होता तो कम से कम वो कोशिश तो करता, लेकिन वो अपनी जिंदगी बद से बदतर बनाता जा रहा है, और अब तुम्हें अपनी जिंदगी का फैसला करना है। बीइंग चाइल्डहुड फ्रेंड्स, हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, सो वी कैन बी लाइफ पार्टनर्स टू। This is just an option. You don't have to reply immediately. तुम्हारे पास 30 तारीख तक का टाइम है। अगर नो भी कहोगी तो चलेगा, लेकिन जवाब सोच समझ कर देना। आज काफी देर हो गई डैड। यस, इट वाज एन इंटरेस्टिंग केस। कंप्यूटर पर आरएनडी करने के बाद सारा केस समझ में आ गया। इट्स अ केस ऑफ लाइकोपोडियम, एन इंटेलेक्चुअल हिपोक्रेट। हमेशा सही दवा से ही सही इलाज होता है। कुछ समझ में नहीं आया ना? वैसे भी ये सब जानकर तुम क्या करोगी? छोड़ो, रुकिए, शटडाउन मत कीजिए, मुझे भी काम करना है। ज्यादा देर मत बैठना, जल्दी से सो जाना। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। आज मेरी विक्रम से मुलाकात हुई। वो एक के बाद एक सारी चीजें हासिल कर रहा है जो मैं चाहती थी कि तुम करो। पहली तारीख को उसके पिताजी रिटायर होने वाले हैं और उसी दिन वो एसआई का चार्ज लेने वाला है। आज उससे मिली तो उसने वो बात कह दी जो मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। इस अकेलेपन की घड़ी में विक्रम ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मुझे संडे तक उसे जवाब देना है। उससे क्या कहूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं नहीं जानती कि तुम इतने दिन कहां थे, मुझसे, दोस्तों से, अपने परिवार से दूर क्यों रहे। मुझे इन किसी भी बातों का जवाब नहीं चाहिए। बस एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, फिर जिंदगी भर ही सही, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आदि।
पापा ने मेरा एडमिशन तुम्हारे स्कूल में कराया है, अब मैं भी वहीं पर पढ़ूंगा। वेरी गुड, माई स्कूल इज वेरी गुड स्कूल। तुम आओगे तो मैं अपने दोस्तों से मिलवाऊंगी तुम्हें। कौन से दोस्त है तुम्हारे? विक्रम है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड मतलब बेस्ट बेस्ट फ्रेंड, माई बॉयफ्रेंड। चलो उतरो। अरे लक्ष्मी, इसका यहाँ एडमिशन करवा कर अच्छा किया, दोनों साथ में ही आगे बढ़ेंगे। आओ बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, जाओ अपनी क्लास में जाओगे ना? आंटी आप टेंशन मत लो, इसका ध्यान मैं रखूंगा। ओहो, तू तो बहुत बड़ा हो गया। बैठो लक्ष्मी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आदित्य है। और मेरा नाम विक्रम शिनॉय है, विक्रम बुलाना। मुझे बता, तू चोर है ये पुलिस? क्या? मैं पुलिस हूँ। और तू? मैं भी पुलिस हूँ। तो फिर एक काम करते हैं, क्लासरूम तक रेस लगाते हैं। अगर मैं जीत गया तो तू सल्यूट करेगा, और अगर तू जीता तो मैं सल्यूट करूँगा। ओके ओके, सो गेट रेडी, 1 2 3 गो। अरे जल्दी उठा दी। ए! चल सलूट मार। यू कैन नेवर बीट मी, आई एम स्मार्टर देन यू, यू मंकी। उसने क्या कहा तुम समझे नहीं ना? नहीं। तुम उससे कभी नहीं जीत सकते, वो तुमसे बहुत चालाक है। उसने तुम्हें बंदर कहा। आओ चलो मेरे साथ। अबे क्या कर रहा है यार, गाड़ी चलाने नहीं आती क्या? अरे ठीक से चला ना। चला यार। अरे बस थोड़ा स्पीड बढ़ा ना यार। ए बॉडी बिल्डर, सुना है कि तू इंस्पेक्टर बनने वाला है और इस एरिया का चार्ज भी तेरे अंडर ही होगा। वैसे अपना आदि तो यहाँ नहीं है और हम तीनों यहाँ से जाने नहीं वाले, और ये मत सोचना कि इंस्पेक्टर बनने के बाद तू हमसे पुरानी दुश्मनी का बदला लेगा, सोचना भी मत। चल जा। मंदिर जा रही हो? हाँ। हम दोनों ही एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं, एंड दैट इज लाइफ। मम्मी पापा ने इसके बारे में कई बार मुझसे पूछा पर मैं ना बोलती रही, और उसने कभी मेरे दिल की बात जानी ही नहीं। अब मैं भी उसके इंतजार में और तड़पना नहीं चाहती हूँ। सब जानते हुए तुमने मुझे अपनी लाइफ में इनवाइट किया, इनविटेशन एक्सेप्टेड।
बंदा कहंदा अल्लाह 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 बंदा कहंदा अल्लाह 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 बंदा कहंदा अल्लाह 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 सफर तू मेरा बना रहना हम सफर तू मेरा अल्लाह 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 बंदा कहंदाई अल्लाह 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 बंदा कहंदाई अल्लाह आदि भाई, भाई। आजा आजा भाई, क्या बात है? घर जा रही हूँ नोट्स लेने के लिए, जल्दी आ जाऊंगी। श्रुति अभी तक नहीं वो किताब लेके बैठी है, काफी देर से टीवी में घुसी हुई थी, तुम्हारी जीप की आवाज सुनते ही वो किताब लेकर बैठ गई। माँ तुम आ गई, मैं चाय बनाती हूँ। अरे आप रहने दीजिए, मन लगा के पढ़ रही है, यही बड़ा काम है। रुको रुको, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, देखती हूँ मैं। आओ बैठो। आदि आपको नहीं पता क्या, आदि वापस आ गया है, आज सुबह उसे देखा। तुमने उसे देखा? उसने क्या कहा और कहाँ है वो इस समय? हाँ? उसे देखा पर उससे बात नहीं कर पाई आंटी, मुझे लगा कि वो घर पर होगा इसीलिए मिलने आई। घर पर नहीं आया, बहुत सालों पहले मुझसे एक भूल हो गई थी, उसी की सजा दे रहा है।
बाद में आती हूँ आंटी। अच्छी आई है ना? आसमां के लिए लाखों तारे हैं मगर मेरी आंखों का सितारा एक है सांसों की जीने का सहारा एक है तू। तेरे हर सपने को तेरे हर ख्याल को आजा मेरे बेटे मैं सजा दूं। तेरी खुशी के लिए तेरी खुशी के लिए आजा एक जादू मैं दिखा सुलाता हूँ तो यही सोचता हूँ कोई नींद से ना तुझको जगाए। तुझको सुलाता हूँ तो यही सोचता हूँ कोई नींद से ना तुझको जगाए। बात मेरी जाने बिना हार मेरा जाने बिना मेरे अपने ही रुट जाए मेरे अपने ही रुट जाए। तेरी हंसी के लिए खुशी के लिए आ जाए एक जादू में दिखा दूं। जिस रास्ते पे मैं चला हूँ उस रास्ते पे तुझको नहीं है कभी जाना। जीने का सहारा एक है तू। तेरे हर सपने को तेरे हर ख्याल को आजा मेरे बेटे मैं सजा दूं। मेरे पापा ने कल एक बहुत बड़े चोर को पकड़ा और जैसे ही वो चोर दीवार से कूदा मेरे पापा उसके पीछे गए और हाथ पैर बांध के उसे जीप में बिठा दिया और जेल लेकर गए। तेरे तो सिर्फ पापा ही पुलिस हैं, मेरे तो मम्मी पापा दोनों पुलिस हैं। तो क्या हुआ, पुलिस होकर भी तेरी माँ चोरों के पीछे नहीं भागती ना? और तेरे पापा पुलिस है तो पुलिस यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनते? पुलिस नहीं हो? ऐसा क्यों पूछ रहा है तू? तो फिर आप यूनिफॉर्म पहन के मेरे स्कूल में आइएगा। ठीक है, कल मैं तुझे लेने के लिए खुद आऊंगा। Thank you.
ये सब तुम्हारे फ्रेंड्स हैं? हाँ, ये मेरे पापा हैं, पुलिस हैं। ये विक्रम है, इसके पापा भी पुलिस हैं। अच्छा? हाँ, ये दीपिका है, मेरी अच्छी फ्रेंड है। अच्छा, मैं तुम्हारे दोस्तों को एक अच्छा सा मैजिक दिखाऊं? हाँ। तुम सबको फूल पसंद है ना? हाँ। तो बच्चों ताली बजाओ, ताली बजाओ, जोर से बजाते रहो, बजाते रहो। तुम लोगों को फूल चाहिए ना? फूलों की देवी तू आ जा, फूलों की देवी तू आ जा, फूलों की देवी तू आ जा। फूल खिले हैं गुलशन 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 गुलशन। आपको फूल पसंद आया? अच्छा है। सबको सुनो, बाकी मैजिक कल। हाँ चलो। पापा चलो बेटा आओ। ये लीजिए भाई साहब। अच्छा ठीक है भाई साहब। एक ड्रॉप हर एक घंटे में देते रहना। सुबह तक ये ठीक हो जाएगा, घबराना मत। हो हो, रो मत, चुप हो जा। झींगे का अचार घर में बनाए। बड़ी मुश्किल से तेरी जमानत करवाई है और तू है कि भावी नहीं दे रहे। मेरे बेटे के सामने मुझे खींच के ले गया कमीना कहीं का। अगर चोर लोग इतना सोचने लग गए ना तो हम वकीलों का धंधा पानी तो बंद हो जाएगा। यार एक बात बता, तू इतनी मेहनत करके अपने बेटे के लिए इतना कुछ कर रहा है ना, तो उसके उज्जवल भविष्य के लिए कोई अच्छा सा प्लान बना और एक ही बड़ा हाथ मार के लाइफ में सेटल हो जा। बाद में कोई धंधा पानी शुरू कर लेना। देख मेरे भाई, तुझे बचाने के लिए और मुफ्त किराए देने के लिए मैं जिंदगी भर साथ नहीं रहने वाला। मेरी बॉडी की तरह मेरा लिवर भी धीरे धीरे फूलता जा रहा है। डॉक्टर ने कहा है मेरी गारंटी खत्म हो गई है। उसकी घूरती नजरें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। कैसे उसके सामने खड़ा रहूं मैं? ऐसे खड़ा रहे बात करते हैं। मम्मी, पापा को बोलो कि यहाँ से चले जाए, मुझे इनसे डर लग रहा है। लक्ष्मी मेरी, बस कुछ मत कहिए।
मैं तो बहुत पहले ही जान गई थी कि मेरे साथ धोखा हुआ है। अगर मैं पहले ही छोड़ देती तो बच्चों को जवाब देना होता, ना चाहते हुए भी उन्हें बताना पड़ता कि उनका बाप चोर है। पर अब बच्चे जान गए हैं, अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है और ना ही इन बच्चों को है। चले जाइए, चोरी करो, डाका डालो, जो जी में आता है करो, पर हमारा पीछा छोड़ दो। लक्ष्मी, तुम जल्दी से अपने घर जाओ, मैं भी आ रही हूँ, कुछ बात है। क्यों मैडम? कल तुम्हारा तुम्हारे पति के साथ झगड़ा हुआ था ना? अब क्या कहूँ मैडम, मैं तो तंग आ चुकी हूँ, कल उन्हें घर से निकाल दिया। नदी किनारे ब्रिज के नीचे एक बॉडी मिली है और वो तुम्हारे पति कुंचन की है, आइडेंटिफाई करो। अभी इधर पहले जैसा नहीं है, नए नए अपॉर्चुनिटीज है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है। यार ये संतों का चोला उतार दे, थोड़ा फ्रेश हो जा। हाँ, फ्रेश होने के लिए पीना जरूरी है क्या? तेरे आने से जान में जान आ गई है, अब देखना इस शहर पर अपना ही राज होगा। हाँ Thank you.
अरे सुनना, जल्दी से इसका नाम मिटा दे यहाँ से, फिर देखना भागता हुआ आएगा। देखते ही जल जाएगा विक्रम। मजा आया ना? तेरी तो किसने छोड़ मारा मेरे फ्रेंड को? तेरी तो रुक, छोड़ेगा नहीं इसे, मेरे फ्रेंड को मारता है तेरी तो। रुक, जाता कहाँ है मैं? बंद करो ये, जा यहाँ से। तू खाना क्यों नहीं खा रहा? मुझे नहीं खाना। ओ, ले तू भी ये खा। आदि, यार नोटों की गड्डिया देखी तूने? 5 और 10-10 के नोट थे। डॉक्टर आज रात को वो पैसे मारवाड़ी को देने जाने वाला है। यही सही मौका है अपना खर्चा और इसकी माँ का कर्जा चुकाने का। ये तू मुझे क्यों बता रहा है? अपन को पैसे लूटने हैं। जब वो रात को पैसे देने निकलेगा तो अपन सब ये काम करेंगे। अगर माँ को पता चला तो वो मेरी जान ले लेगी। नहीं रे बाबा, वो फैमिली डॉक्टर है। अरे फिकर मत कर, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। क्या प्लान है? बहुत सॉलिड प्लान है। आओ आओ, आप तबीयत कैसी है? अब ठीक है, पर ये ठीक से पढ़ता नहीं है डॉक्टर। क्लास से भागकर बिगड़े हुए बच्चों के साथ घूमता रहता है ये। इतना मारती हूँ फिर भी नहीं सुधरता। हे आदि, माँ ये क्या कह रही है? ये स्कूल से कब छूटता है? 4 बजे डॉक्टर। इसे रोज 4:30 बजे यहाँ छोड़ दीजिए। मेरी हेल्प करेगा और बुरी संगत से दूर भी रहेगा। इसे पॉकेट मनी की भी जरूरत होगी ना, वो मैं दे दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। डॉक्टर आप इसे सुधार दीजिए ना। सिट स्ट्रेट एंड लुक एट माय फेस। इसे सुधारने की जरूरत है ही नहीं, ये तो अच्छा लड़का है। क्यों है ना आदि? कैसी हो आंटी? मैं ठीक हूँ बेटा। कितना अच्छा लड़का है, भगवान इसे हमेशा खुश रखे। अरे क्या हुआ? अरे क्या कर रहे हो? पास हो गया। नीचे उतारो। डिस्टिंक्शन, यस। अच्छा, सुना आपने, मेरा बच्चा पास हो गया है। पापा मैं पास हो गया विद डिस्टिंक्शन। शाबाश। जीती रहो। मेरी बच्ची, ये ले बेटा, तेरे लिए मैंने मिठाई बनाई है। आओ। मामू, जय श्री कृष्णा। ठीक है ठीक है। हाय दीपिका। कंग्रेट्स। कंग्रेट्स। एक को देखो बेपरवाह, नहीं किसी की बेपरवाह है।
को करना है अपने टाइम पे सारा काम। विक्रमादित्यम विक्रमादित्यम। बादाम चार ही है, पांच दिया करो माँ। ओ सो सॉरी। ओके खुश, अगली बार याद रखना। चले
रेंजर टीम के कप्तान आदित्य को मंच पर बुलाना चाहूंगा। थैंक यू सर। विजेता टीम के कप्तान विक्रम को विनर ट्रॉफी प्रदान करने के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगा। तुम्हारे लिए ये हार तो नई नहीं है, तो फिर इतनी नाराजगी क्यों? हटो मेरे रास्ते से, गिरगिट कहीं की। तुम्हारी नाराजगी की वजह मैं समझ गई। क्या समझ गई? विक्रम ने मुझे हक किया, इसीलिए ना। तुम जाकर किसी को भी हक करो, मुझे उससे क्या। एक्चुअली मुझे गले लगना पसंद नहीं है, लेकिन जो फ्रेंड अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर जिंदगी में कुछ हासिल करता है, उसे सिर्फ हक नहीं, मैं उसे किस करना भी पसंद करूंगी। ओ, तो ये बात है। और उसने कभी इस बात का फायदा उठा लिया ना, तो हे भगवान, इस तरह रो रो कर मेरे पास मत आना। वो तुम्हारी तरह छिछोरा नहीं है। He is a sweet gentleman and my best friend. तो फिर मैं कौन हूँ? You are my worst friend. चलो friend तो हूँ ना। तो फिर मुझे भी हक करो। चलो नाराजगी दूर करती हूँ। आदि, आदि छोड़ो मुझे, सब देख रहे हैं। आदि आदि छोड़ो प्लीज, आदि आदि छोड़ो, आदि आदि विक्रम जाने दो।
सालों पहले मैं तेरे बाप को घसीटते हुए जेल लेके आया था। तेरे कभी मेरे बेटे को हाथ लगाया ना तो तेरा भी हाल तेरे बाप के जैसा करूंगा, समझा? कमीने। की दुश्मनी उसके बेटे के साथ क्यों निकाल रहे हो? उसके बेटे को मत घसीटो इसमें शेना साहब, ये तो मामूली लड़ाई है। यार वकील, किसने कहा तुझे कि ये सिर्फ मामूली लड़ाई का मामला है? हाँ, दिन दहाड़े बीच रास्ते पर एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई, ये गंभीर केस है। उसे तो मैं सबक सिखाऊंगा। डोंट डू दिस, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देख वकील, उसके डिफेंस में तुझे जो करना है कर, और मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। चलता हूं। सर, जब किसी ने उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं की तो केस किस लिए बना रहे हैं सर? तुम अपने काम पर ध्यान दो। किसने कहा उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं है? दर्ज हो चुकी है। मे आई कम इन डॉक्टर? सब ठीक चल रहा है ना? सब ठीक है। आप कैसे हो? आप बिजी तो नहीं है ना? मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे कोई सीरियस बात तो नहीं है ना शिनॉय सर? सीरियस मतलब थोड़ा सीरियस ही है। कल जो हुआ वहाँ आप भी मौजूद थे, आपको तो सब पता ही है। अगर उस चोर की औलाद को ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो और मुसीबत खड़ी करेगा। उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मैं कुछ समझा नहीं। अगर अपनी दीपिका बेटी फॉर्मल कंप्लेंट भी देगी तो केस काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट इतना रेस्पॉन्सिबल होगा ये मैंने सोचा नहीं था। ठीक है, एक बार अपनी बेटी से बात करके देखता हूँ। मेरे हिसाब से इसे हम बड़े ही सुलझा ले तो अच्छा होगा। एक बार पूछ लेते हैं ना उससे। यस यस, बिकॉज शी इज द विक्टिम। पूछिए, पूछिए उससे। डॉक्टर रामनाथ। लीजिए आ गई। आपको जो भी पूछना है आप खुद ही पूछ लीजिए। तुम ठीक तो हो ना बेटी? वैसे मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही होगी। इस हालत में कुछ भी पूछना सही तो नहीं होगा, पर इंसाफ तो होना ही चाहिए ना। मैं चाहता हूँ कि तुम आदि के खिलाफ एक फॉर्मल कंप्लेंट दे ही दो। कंप्लेंट? किस बात की कंप्लेंट? मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है। विक्रम और आदि दोनों ही मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, ये तो आपको पता ही है ना। अगर हमारे बीच कोई प्रॉब्लम होती है तो हम ही हैंडल कर लेंगे। फ्रेंड्स है ना, पर उसने विक्रम को कितनी बुरी तरह मारा देखा ना। मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर ऐसी बात है तो विक्रम को भी सजा मिलनी चाहिए। उसी ने तो ओवर रिएक्ट किया और आदि पर हाथ उठाया। I'm sorry. Sorry. चाय पीकर जाइए ना। मैं जवाब नहीं देना चाहिए। मैं फ्रस्ट्रेशन में हूँ। सॉरी। सॉरी मुझसे मत करो, जा उनसे माफी मांग। माँ, मेरे करियर का ये फर्स्ट स्टेप है। मैं डॉक्टर साहब से मिलने गया था पापा।
यूपीएससी एप्लीकेशन। भगवान तुझे कामयाबी दे। क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? मैं दीपिका से मिलने गया था आदि के खिलाफ एक फॉर्मल कंप्लेंट के लिए, पर वो कहने लगी कि ओवर रिएक्ट करने के लिए विक्रम को सजा मिलनी चाहिए। अच्छी प्रेमिका है। प्रेमिका नहीं पापा, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। और सिर्फ वही नहीं, आदित्य भी। जहां तक लड़ाई का सवाल है, वो तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, और शायद कल की तरह हमारे बीच आगे भी लड़ाइयां हो सकती हैं। और इसके पिता से आपकी दुश्मनी थी सोचकर हो सकता है कि लोगों को ये लगे कि आप जानबूझकर आदि के साथ गलत कर रहे हैं। हो सकता है दीपिका के नाराज होने की वजह भी यही हो। पापा, पापा कल जो हुआ मुझे उसकी चिंता नहीं है। कल ऐसा सिलेक्शन के लिए मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ, फिलहाल उसी के बारे में सोच रहा हूँ। आदि के मैटर को बढ़ाकर मुझे डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए प्लीज। ठीक है बेटा। क्या चल रहा है, क्या दिया उस आदमी ने? ड्रग्स? छे छे छे। नार्कोटिक्स इज अ डर्टी बिजनेस। ना कभी किया है और ना कभी करूंगा। मैं एक निहायत ही शरीफ इंसान हूँ, तुम तो ये बात जानती हो। ये तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा छापी हुई ओरिजिनल करेंसीज हैं। दुश्मन इन्हें काला धन यानी ब्लैक मनी कहते हैं। जरूरत पड़ने पर पैसे मांगने के लिए तुम लोगों की तरह मेरा कोई बाप नहीं है। So, I have to raise myself. वैसे उस बॉडी बिल्डर की बाइक पर घूमने में मजा तो आ रहा होगा ना? दोनों रास्ते से भटके भी होंगे? हम दोनों अपने रास्ते से भटके नहीं है। वो ऐसा ही सिलेक्शन के लिए एप्लीकेशन देने जा रहा है। इसका मतलब वो अपने बाप की तरह पुलिस वाला बनेगा और तुम अपने बाप की तरह चोर। याद है बचपन में शिनॉय अंकल तुम्हारे पिता को घसीटते हुए ले गए थे? वो नजारा तुम्हें तो याद ही होगा ना? वही दोबारा होगा। अब की बार विक्रम तुम्हें घसीटते हुए इस रास्ते से ले जाएगा, और एक बेटा वही नजारा अपनी माँ को दिखाने वाला है। आदि, मैं तुझसे बहुत सी उम्मीदें लगाई बैठा था। सोचा था तू अपने बाप से भी बड़ा ठग निकलेगा और फिर डॉन बनकर इस शहर पर अपना साम्राज्य खड़ा करके राज करेगा। तेरी उम्र में मैं बहुत कंफ्यूज हुआ करता था कि लाइफ में आखिर बनू तो क्या बनू। पता है हर एक प्रोफेशन में चोरी तो होती है। अब डॉक्टरों को ले ले, सबसे बड़े लुटेरे तो वही है, और ये इंजीनियर भी मिलावट करके बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर देते हैं। इस तरह अपने अपने प्रोफेशन में चोरी करने से कोई चोर नहीं कहलाता। एकदम सही है, एकदम सही है। आदि, अब क्या कंफ्यूजन है तुझे? मैं चोर बनू या पुलिस, यही ना? अरे मैं तो कहता हूँ तू पुलिस बनकर चोरी करना, क्यों? मैंने भी तो कई अदालतों में झूठ को सच साबित किया और सच को झूठ साबित किया और वकील बन गया। तू भी फ्रॉड पुलिस बन जा। Cheers! Cheers! Cheers!
जहाँ एक पुलिस वाले की भर्ती के लिए करीब 400 लड़कों पर काम किया जाता था, वहीं आज उस भर्ती के लिए हम 800 लड़कों पर दिन रात काम करते हैं। जहाँ पुलिस वाले जान की बाजी लगाते हैं और अपना सुख चैन गंवा के सबके लिए काम करते हैं, उन्हीं पुलिस वालों के खिलाफ कुछ सरकारी लोग अपने पद का नाजायज फायदा उठा के उन्हें बदनाम करते हैं। आप बस ये सब संभाल लीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है सर, चलता हूँ सर। हाँ जाइए, फिक्र मत कीजिए। अरे तुम यहाँ पर? थाने में गया था तो पता चला आप यहाँ पर हैं। क्या बात है, फिर कोई लफड़ा किया क्या? तो फिर एसआई सिलेक्शन के लिए अप्लाई किया है? ये फील्ड मवालियों के लिए नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। करना क्या होगा? दो तरह के रिटन टेस्ट होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा डिस्क्रिप्टिव। उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर इंटरव्यू होगा और फिर ट्रेनिंग। हर एक स्टेज में बहुत टफ कॉम्पिटिशन होगा। घर पे माँ की डांट खाने से तो अच्छा ही है कि मैं इसमें हाथ पैर मारूं। तुम्हें डराना नहीं चाहता था मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर काबिलियत है, लेकिन तुम्हारे शरीर में ऐसा खून दौड़ रहा है जो तुम्हारी सफलता के आड़े आ सकता है, तुम्हारे पिता का खून, और उससे तुम इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकते। तुम्हारे इल्लीगल साइड बिजनेस के बारे में तुम्हें क्या लगता, मैं नहीं जानता। और सिर्फ मुझे ही नहीं, शिनॉय सर को भी इस बात की पूरी भनक लग चुकी है। सुधर जाओ वरना पछताओगे। पहले से वो तुमसे नफरत करते हैं, ऐसे में अगर उन्हें पता चला कि तुम भी ऐसा ही बनने जा रहे हो तो तुम्हारी खैर नहीं है, थोड़ा बच के रहना। हाँ मुझे पता है, एप्लीकेशन देते ही मैंने सारे इलीगल काम छोड़ दिए, वो लोग वैसे भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और अगर फिर भी उन्होंने कुछ उंगली की ना, तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। उनके काले धंधों के कुछ राज मैं भी तो जानता हूं ना, मुझे सांप को कुचलना आता है। अगर तू अपने सारे धंधे बंद कर देगा तो पॉकेट मनी कहां से आएगी, माँ से लेगा क्या? छह, माँ की मेहनत की कमाई पर जीना आदर्श बेटे की शान के खिलाफ है। छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट से अपना गुजारा कर लूंगा। तो ठीक है, मैं तुझे कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ। क्या आप तो सीरियस हो गए, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? फिलहाल पुलिस स्टेशन को पेंट करने का कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है। लगता है मुझे इंस्पेक्टर नहीं पेंटर बनाओगे। डन, तुम्हारा भी नाम दुनिया याद करेगी। तेरी तितली तो फुर हो गई। चलना। पुलिस स्टेशन की दीवारों की सफाई करने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ के लोगों की सफाई ज्यादा जरूरी है। हाँ, लेकिन पहले अपने आप को तो साफ कर लो। वैसे पुलिस स्टेशन में पुलिस को सिगरेट पीना अलाउड है क्या? अरे अरे फेंक क्यों रहे हो? मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, और तुझे मंगदानी सर, ये सिस्टम बड़ा ही बोरिंग है। कौन सा सिस्टम? ये सैल्यूट मारने का सिस्टम। क्या? अरे ये तो अंग्रेजों की अमानत है जो इस देश में छोड़ गए, उनकी गुलामी करने वाले ऐसा करते थे, अब जब देश आजाद हो चुका है तो ये सब किस लिए? तू पागल है क्या? गुलामी और डिसिप्लिन के बीच फर्क पता है? बात करता है। हमारे भारतीय संविधान के अनुसार सबको समान अधिकार दिया गया है, और आप इस बिहेवियर को डिसिप्लिन कह रहे हो? जो एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं उन्हें सहकर्मी कहते हैं, ऊपर वाले की नजर में तो सब लोग एक ही हैं।
कॉलोनियलिज्म और कास्टिज्म जैसी चीजें आपके इसी डिसिप्लिन की देन है जिसे कहते हैं सैल्यूट, आधा बर्ज है। अब एक पेंटर इस देश में क्रांति लाएगा, अपना काम कर और निकल यहाँ से। वैसे भी इस देश में बहुत सी चीजें बदली है, हमारे विचार, रीति रिवाज, रहन सहन, तुम्हारी सोच के मुताबिक भी लोग बदल सकते हैं। इन्हें ये काम किसने दिया? वो हमारे बिल्डिंग के ऑनर है। एक बार बाप को घसीट कर पुलिस स्टेशन में लाया गया था और बेटा खुद चल कर आया। बात तो बिल्कुल सही कही सर आपने। आपके बेटे को आपने जो बाइक गिफ्ट की है ना, उसकी डिलीवरी मैंने ही की थी। एक लड़का बाइक छोड़ के गया है और ये आपको देने के लिए कहा है। बाइक कहाँ से आई, किसने दी है आपको, और उसके बदले में आपने उनके क्या क्या काम किए हैं, मुझे सब पता है। दूध का धुला कोई नहीं होता। आपके बेटे को आपने जो बाइक गिफ्ट की है ना, वो रिश्वत में मिली है ये उसे पता चला तो बहुत सॉलिड झटका लगेगा उसको। जिस तरह मेरा बाप एक चोर है ये जानने के बाद मुझे जैसा झटका लगा था। अगर आप चाहते हैं कि आपका शिनॉय नाम हमेशा रोशन रहे तो ज्यादा आसमान में उड़ने की कोशिश मत कीजिए। अरे ये कौन है, कोई मॉडर्न भूत है सोचा क्या? थोड़ा अपने आप को बदल कर देख लूं। एंड इट्स रियली कूल। वैसे कहाँ जा रही हो? मॉल में कुछ बुक्स लेने जा रही हूँ। और तुम? फिलहाल तो मैं कैलिफोर्निया के समंदर के रास्ते से होकर आया हूँ। और अब सोच रहा हूँ कि दुबई जाकर दो चार डुबकी लगा कर आऊं। चलोगी? रहने दो, मन नहीं कर रहा। क्यों मन नहीं कर रहा? वो क्या है कि तुम्हारी इस फटफटी पर चलना ठीक नहीं रहेगा। मतलब? कुछ खास मतलब तो नहीं है, पर तुम्हारी आदत है ना, थोड़ा ऐसे बैठो थोड़ा वैसे बैठो फिर सट से ब्रेक दबा देते हो। अंग से अंग मिलाने का चांस तो तुम बिल्कुल छोड़ते ही नहीं हो, इसीलिए वेरी सॉरी। अब अगर रोड पर गड्ढे ज्यादा हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वैसे उस बॉडी बिल्डर की बाइक पर बैठती हो तो बहुत ही कम्फर्टेबल लगती हो। हाँ, यही है, बिकॉज ही इज अ गुड बॉय। जानती हो आजकल बॉडी बिल्डिंग आउटडेटेड हो चुकी है। अरे आज की लड़कियां तो जीरो साइज वाले लड़कों के पीछे पड़ती हैं। तुम भी तो जानती हो, जब मैं तुम जैसी लड़कियों को उन भद्दे बॉडी बिल्डर्स के साथ देखता हूँ ना, तो उन बेचारी लड़कियों के बारे में सोचकर मुझे तरस आता है। छे, व्हाट अ पिटी। तो क्या तुम मेरे साथ स्कूटर पर कभी नहीं बैठोगी? वैसे मैं ये तो नहीं कह रही कि मैं कभी नहीं बैठूंगी। तो कब बैठोगी? कुछ बनने की चाह में बैंड बाजा नाच गाना करके एक एप्लीकेशन पोस्ट किया था ना। हाँ, अगर इस चीज में तुम कामयाब हो गए तो सोचूंगी। ओके, चलो मान लो कि मैंने अपना गोल अचीव कर लिया, तब तुम क्या करोगी? अब सिर्फ इतरा दी रहोगी या जवाब भी दोगी? व्हाट विल यू डू, विल यू मैरी मी? पहले पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर मेरे सामने आना, फिर उसके बाद मैं तुम्हारी इस फटफटी पर बैठूंगी और फिर लहराते हुए हम दुबई से लेकर कैलिफोर्निया तक सैर करेंगे। मरने का इरादा है क्या? चल फुटना। आसमां तक जाना, मंजिल को है पाना, ऐ मेरे दिल तुम सुना, बढ़ते चले आगे सारी हद से आगे, रुकना नहीं है अब आगे है बढ़ना, अब है मंजिल पाना जीवन में सुख लाना। How many members for Lok Sabha are elected by Union Territory? Not more than 20. Yay! Yes! The Communist Party of India was formed in 1924. Yes! In which year National Development Council was set up? National Council was set up in which year? 1952. Yay! Yeah! Yeah!
सुनो, माँ से कहना दो स्पून हॉर्लिक्स अच्छे से बादाम डाल कर लाए। एंड ओनली एक वाइट, नो योर। अभी लाती हूँ। ओनली एक वाइट। माँ, साहब को हॉर्लिक्स और एक वाइट चाहिए। हॉर्लिक्स। बेटे को जहर पिला रही हो? हाँ, चुपचाप पी ले। Horlicks is the secret of my energy. Thank you, mummy. ये मसल out of fashion नहीं लगता? इसे fitness कहते हैं। वैसे इस मसल ने अच्छे अच्छों को मसला है। वैसे पुलिस बनने के लिए सिर्फ फिटनेस की नहीं, दिमाग की भी जरूरत होती है। इसीलिए दिमाग की भी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ये लो। ओह, जनरल नॉलेज। इसे तो मैं घोल कर पी चुका हूँ। अरे भैया, उसे बुरा लगा। तो लगने देना। बस हो गया बेटा। जाओ जाओ, अपना काम करो। अब वहां पड़ी थी तो सोचा थैंक यू। सच में कीता भी कीड़ा बन गया यार, चलना। अरे नहीं यार, पढ़ रहा हूँ। चलना, अच्छी फिल्म है यार। ए, पर यार, चलो जाओ यहाँ से। चल 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 चल, मिलता हूँ भाई। पढ़ पढ़ ठीक है, जाओ तू पढ़। पढ़ी तो रहा हूँ। हाँ, क्या हुआ? विक्रम को चिकन पॉक्स हुआ है, वो एग्जाम नहीं दे रहा। मेरे रास्ते का कांटा आखिर दूर हो ही गया। बहुत ज्यादा फुदक रहा था, हॉर्लिक्स, जिम, बादाम, पिस्ता और पता नहीं क्या क्या नौटंकियां कर रहा था। एक झटके में सीधा आसमान से जमीन पर आ गया। अब मजा आएगा। खाली गोल करने से जीत हासिल नहीं होती, इस तरह कोई ताली नहीं बजाएगा। विक्रम, उसे चिकन बॉक्स हुआ है तो मैं भी हो जाएगा। आंटी, आप उसका हॉल टिकट लाइए और मुझे कुछ नहीं होने वाला। आदि, तू जा यहाँ से। ए, चलो। अरे तू भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। अबे, इन्फेक्टेड तेरे जैसे डरपोक लोग ही होते हैं। फिलहाल तो डर लगा और एग्जाम में दिमाग लगा। आदि, छोड़ यार, क्या कर रहा है, समझने की कोशिश करना। आदि, ये ले और भगवान का नाम लेकर एग्जाम देते हैं। समझ गया ना? आदि, तुझे नीचे उतार। एग्जाम तो कई सारे दे रहे हैं, लेकिन एक तू ही मेरे टक्कर का है। ये ले। Thank you.
नहीं है बढ़ते ही रहना कदम जो है उम्मीदें तुमसे मुझको यकीन है तुम पे पूरे करोगे सारे अरमान तुम तेरी खुशी की खातिर तेरी हंसी की खातिर सब कुछ हो मेरी पहचान तुम तेरी खुशी की खातिर तेरी हंसी की खातिर सब कुछ हो मेरी पहचान तुम जाना मंजिल को है पाना मेरे दिल तुम सुने बढ़ते चले आगे सारी हद से आगे बढ़ना है आगे सारे जहां से आगे अब है मंजिल पाना जीवन में सुख लाना रुकना नहीं है अब आगे है बढ़ना आदि 95 शॉर्टलिस्ट में तेरा नाम उससे 5-6 नंबर से पीछे था इतनी सी बात के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं तुझे चिकन पॉक्स हुआ था ना इसीलिए मार्क्स कम होंगे मैंने ये रिजल्ट एक्सपेक्ट ही नहीं किया था और माँ आदि के रैंक से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैंने तो कभी अपनी एक क्लास भी मिस नहीं की ट्रेनिंग में भी मैंने जी जान लगा दी और वो क्लास बंक करके पार्ट टाइम काम करता रहा फिर भी उसने मुझसे बेटर स्कोर किया सच में उसकी मेहनत काबिले तारीफ है पापा He is such a brilliant guy. कभी उसे underestimate मत कीजिएगा। उसका बाप भी बहुत brilliant था, शातिर दिमाग वाला। और वैसे भी final list interview के 20 marks पर ही तय होगी ना। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें चिंता करनी चाहिए। Interview में बहुत सी चीजें हो सकती हैं। नीचे वाले ऊपर आ सकते हैं, ऊपर वाले नीचे और हो सकता है लिस्ट में उनका नाम ही ना हो। विक्रम इनके जैसा अच्छा नाचने वाले लड़के भरोसे के लायक नहीं होते माँ कहती है यस यस शी इज राइट वो लाइफ को बहुत इजीली लेते हैं सीरियस ही नहीं होते आप भी आइए ना बाय क्या यार क्या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नाच रहा था तो डिस्टर्ब करने आया हम अपनी लाइफ सेट करने के लिए परेशान है और तू यहाँ मस्त ग्रुप डांस कर रहा है क्या है अपना समीर आज रात की 12 बजे की ट्रेन से त्रिवेंद्रपुरम जा रहा है वो स्कूटर लेने के लिए रात को तेरे घर आ जाएगा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है सुबह हम तेरी गाड़ी स्टेशन से उठाकर तेरे घर पे लाके छोड़ देंगे क्या कहता है अरे तो गाड़ी अपने पास ही रखो ना यार वो बात नहीं है अपने को एक काम मिला है आज ही माल पहुंचाना है ओ याद आ गया तू तो संत बन चुका है ना हाँ बन गया हूँ और तुम लोग भी सुन लो अगर पकड़े गए ना तो मैं नहीं आने वाला छुड़ाने कम ऑन डूड
अभी भी कहाँ जिंदगी भर करना है, बस थोड़ा सेटल हो जाए। अच्छा ठीक है जाओ। चलो चेक करो, क्या हुआ सर? गाड़ी से उतरो, इधर चेक करो। सर ये मेरा नहीं है। क्या है ये? पता नहीं सर। तो किसे पता है? सच में नहीं पता सर। तुम्हारी गाड़ी में मिला है और तुम कह रहे हो तुम्हें कुछ नहीं पता? प्लीज मेरा यकीन कीजिए सर, स्कूटर मेरे दोस्त लेकर गए थे। ओ हो, स्कूटर को पुलिस स्टेशन लेकर चलो। और अब तुम अच्छे बच्चे की तरह जीप में बैठ जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, बाकी की बातें पुलिस स्टेशन में करेंगे। चले चलो। व्हाट इज गोइंग ऑन सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर बदला लेने के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं सर। आदि मुझे कोई सपना नहीं आया था यहाँ इतनी रात को बेवजह आने के लिए। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी और उसी के बेस पर मैं यहाँ पर आया, और सच्चाई भी सामने है ना सर। लेकिन देखिए ये एक नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का केस है, नार्को, और इसके बारे में उन्हें इन्फॉर्म करना मेरी ड्यूटी है। और अगर तुम्हें अपनी बेगुनाही के बारे में कुछ कहना है तो कल तुम सीधा उन्हीं से कह सकते हो। ले चलो इसे। सर चल सर, चल सर, चल सर। पापा पापा आदि ऐसा नहीं कर सकता, अब तक तो वो हमारे साथ ही था। तुम इस मामले से दूर ही रहो, मुझे क्या करना है मुझे अच्छी तरह पता है। नारकोटिक्स में जॉर्ज नाम का एक आदमी है, तुम्हारे पास उसका नंबर है? नहीं सर, शायद रवि सर को पता होगा। मुझे भी नहीं पता सर। हाँ मैं तो भूल ही गया था कि आपको भी पता नहीं है। अब सर आपको लगता है कि आदि कभी ऐसी हरकत कर सकता है? लगता तो नहीं था, पर ऐसी गंदी हरकत करके उसने यकीन दिला दिया। अब देखो ना, रंगे हाथों इस माल के साथ पकड़े जाने के बावजूद वो मानने के लिए तैयार ही नहीं, जबकि उसके खिलाफ सारे सबूत आईने की तरह साफ है। इसीलिए आप कृपया करके उसकी वकालत करना बंद कीजिए। वैसे एक और बात है, अगर मैंने एविडेंस यहां रखा और रात को किसी के मन में आदि के लिए दया की गंगा बहने लगी तो कल को नारकोटिक्स वालों को देने के लिए मेरे पास ठेंगा भी नहीं बचेगा। सही कहा सर, एविडेंस यहां नहीं रखना ही सेफ है। अच्छा कहीं कर सर, मैं बेकसूर हूं सर, डोंट डू दिस। अच्छा सुनो सर, इसे जो भी खाने के लिए चाहिए दे देना, वरना कंप्लेंट करने के लिए ये जरा भी नहीं चुकेगा। ठीक है सर। सर 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 प्लीज। सर ये किसी की साजिश है, मेरा बेटा ऐसा काम नहीं कर सकता, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। अब तुम्हें तो पता ही है लक्ष्मी, नारकोटिक्स के केस में दखल देने की पावर हमें नहीं है। लेकिन सर अगर उस पर केस हो गया तो उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, ऐसा ही सिलेक्शन के शॉर्टलिस्ट में उसका नाम आया है। सच कहूं तो उसमें तुम्हारे गुण नहीं है, उसमें सारे गुण अपने बाप के हैं। तुम लाख कोशिश कर लो लेकिन वो पुलिस वाला नहीं बनेगा। मैं उनसे बात करके देखता हूं, अभी तुम घर जाओ। चलो। तुम लोगों को पहले ही कहा था मैंने कि स्कूटर मुझे दे दो, खामखा बेचारे को तुम लोगों ने फंसा दिया। हाँ उसमें माल है, तुम्हें बताना चाहिए था ना। अरे लेकिन उसे पता ना चले इसलिए मैंने तुम लोगों को नहीं बताया। छे अब हम क्या करेंगे, ये शिनाय पुरानी दुश्मनी का बदला निकाल रहा और कुछ नहीं। लेकिन अब हम क्या करें यार,
अब बस एक ही रास्ता है, सीधा शेनॉय के घर चलते हैं। माल नारकोटिक्स वालों के पास पहुंचने से पहले ही हम वहां से उड़ा लेते हैं, चाहे कुछ भी हो। हम आदि को बचा के ही रहेंगे। सर बाहर बैठे हैं। बुलाओ। ओके सर। सर ने आपको अंदर बुलाया है। हाँ सर। प्लीज सिट। थैंक यू। किसी ने मजाक किया है। दिस इज लैक्टोज पाउडर। होमियो मेडिसिन बनाने के लिए इस पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा है कि उस एक्यूज को कोर्ट में पेश करने से पहले आपने इसे टेस्ट करवाने का एक अच्छा डिसीजन लिया, वरना मीडिया के सामने आपका बहुत बड़ा मजाक बन जाता। सॉरी सर, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। इट्स ओके मैन, ऐसी गलतियां इंसान से हो जाती हैं। एनीवे, उस आदमी को जल्द से जल्द रिहा कर दो। क्या हुआ सर? शंभु तुम मुझे घर छोड़ दो। ठीक है सर। और हाँ, मेरी इजाजत के बगैर उस लड़के को रिहा मत करना। ठीक है सर। तुम यही इंतजार करो। ठीक है। क्या हुआ सर, आपने अर्जेंट बुलाया? कल मैं तुम्हारे साथ रूडली पेश आया, सॉरी। कोई नहीं। और वैसे भी कोई डिसीजन लेने में मैं हमेशा लेट रहता हूँ। तो सर, नारकोटिक्स वालों से बात हुई? लक्ष्मी, तुम्हें पता ही है ये केस कितना सीरियस है। डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल था, और सिर्फ तुम्हारे लिए मुझे ये करना पड़ा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा गलत काम नहीं किया था, पर अब करना पड़ा। नारकोटिक्स के पास भेजने से पहले मैंने वो सबूत बदल दिया था। अब वो सेफ है, अब उस पर कोई केस नहीं होगा। मैंने ये सिर्फ तुम्हारे कहने पर किया है, और इसके बदले में मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ। बोलिए सर। उसके इस क्राइम से माना कि डिपार्टमेंट बेखबर है, पर क्राइम तो क्राइम ही है, और इसीलिए मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो पुलिस में भर्ती हो। लेकिन सर, यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने जी जान लगाकर मेहनत की है, और मैं भी उसे पुलिस की वर्दी में देखना चाहती हूँ सर। लक्ष्मी, तुम इस डिपार्टमेंट के कायदे कानून अच्छी तरह जानती हो। मैं कोशिश करूँगा कि कोई उसके खिलाफ तहकीकात कभी न करे, क्योंकि मिनिमम 10 साल के लिए तो वो अंदर जाएगा ही, साथ में मुझे भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। लक्ष्मी, एक बात और सुन लो, हमारी ये बातें ये हम दोनों के अलावा किसी तीसरे तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मुझे क्या करना होगा? बताता हूं। तुम्हारी स्कूटर में जो ड्रग्स मिला वो लैक्टोज पाउडर में कैसे बदला पता है? अरे काय का ड्रग्स, हो सकता है कि मैंने कभी क्लिनिक के लिए पाउडर लिया हो और वैसे ही स्कूटर में छोड़ दिया हो। ये एक छोटी सी चीज के लिए कितना बड़ा ड्रामा हो गया। थैंक गॉड बच गया। ब्लडी फूल, इट वाज कोकेन।
मुझे पता है तुम्हें इसके बारे में पता नहीं था। अगर यकीन ना हो तो अपने उन थर्ड क्लास दोस्तों से जाकर पूछो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा उन लोगों से दूर रहो, लेकिन नहीं सुना। देखा ना क्या हुआ। तो वो लैक्टोज पाउडर में कैसे बदल गया? शिनॉय अंकल ने तुम्हें बचाया, ऐसा लग रहा है क्या? इट वॉज विक्रम, तुम्हारा दुश्मन। उसने अपने डैड को चीट किया और ड्रग्स की जगह पर वहाँ उसने लैक्टोज पाउडर रख दिया। उसने? I don't believe this. Don't you believe me? मगर वो स्कोर्ड अगेन। अगर तू जेल चला गया तो मैं किसके साथ कंपीट करूंगा? वैसे ये मत समझना कि हमारी दुश्मनी खत्म हो गई। ओके, वेट अ मिनट। ये ओरिजिनल, ये ले जाकर अपने दोस्तों को दे देना। बॉडी बिल्डर, थैंक्स यार। हॉर्लिक्स बॉय बेचारा रास्कल। A great compliment for a great enemy. Yes, he is my enemy. हमने कभी एक दूसरे का हालचाल नहीं पूछा, कभी साथ में घूमे नहीं, कभी एक टीम में खेले नहीं, ना कभी एक दूसरे के बारे में फिक्र की। Always opposite. पर अब मैं उसे जान गया हूं और वो मुझे। एक दूसरे को जानते हो पर ईगो की वजह से तुम दोनों की दोस्ती नहीं हो पाती। इसकी वजह तुम ही तो हो। यू आर द कॉमन फैक्टर बिटवीन अस। हमारी दूरी की वजह बस तुम ही तो हो। तुमने कभी एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है? कभी तुमने जानने की कोशिश की कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ? बचपन से तो तुम मेरे साथ हो, तो और क्या नया जानना है? ठीक है, तो अकेले यहाँ बैठकर ताजी हवा के मजे लेती रहो, मैं चलता हूँ। जाओ। चल भाग, पागल कहीं की। नो। मधुर मिलन का रुत ले
करूंगा मर के भी सपना, कहता है ये मेरा दिल। हेलमेट क्यों नहीं पहना है? मैं हेलमेट क्यों नहीं पहना है? भाई मैं शादी में जा रहा हूँ। तेरे बॉल की तो मैं चुपचाप हेलमेट पहन। तू हेलमेट नहीं पहन सकता? क्या बे? साहब को पहचाना? नहीं भाई। नहीं पहचाना? सिर्फ यूनिफॉर्म में होंगे तभी पहचानेगा क्या? हेलमेट के बगैर गाड़ी चलाएगा? सॉरी सर, गलती हो गई। चाहे शादी में जाना पड़े या हॉस्पिटल, हेलमेट पहनना जरूरी है। चल पहन। वो सर हेलमेट पहन बोला ना। क्या मुसीबत है। चल 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 निकाल चल। क्या हुआ? सीआई सिलेक्शन की लिस्ट पब्लिश हो गई और वो बॉडी बिल्डर सिलेक्ट हो गया। लिस्ट में तेरा नाम नहीं है। क्या? इंटरव्यू के बिना लिस्ट पब्लिश कैसे हो सकती है? इंटरव्यू तो कब का हो गया, बस तुझे पता नहीं चला। इसमें जरूर किसी की चाल है। शॉर्ट लिस्ट में मेरा नाम था, मैंने अच्छे मार्क्स भी स्कोर किए, तो फिर मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं हुआ? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। सुनिए, आपका इंटरव्यू से रिलेटेड मेमो आपके रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस में डिलीवर हो चुका है। आप वहां पर जाकर आगे की डिटेल्स पूछ लीजिए। कंप्लेन करना अच्छी बात है, पर बिना सच्चाई जाने किसी पर चिल्लाना गलत बात है। और हाँ, यहां आने से पहले आपको नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर पता करना चाहिए था। चल। क्या हुआ? पीएससी ऑफिस से जो इंटरव्यू मेमो आया था वो कहाँ है? वो तो तुम्हारी माँ को दे दिया था, तुम्हें मिला नहीं क्या? मेरी
मेरी एब्सेंस में अगर उन्हें दिया होता तो समझ में आता, पर मैं तो यहीं पर था ना। उसमें लिखा हुआ था और डिलीवरी का एड्रेस आपके घर का ही था, इसलिए मैंने वो पोस्ट उन्हें दे दिया। वो काफी बार यहाँ पूछने भी आई थी, वो पोस्ट मैंने उन्हें ही दिया है, मुझे पूरा यकीन है। आप चाहे तो उनसे पूछ के देख लीजिए। पीएससी का मेमो आपने रिसीव किया था ना? तो जब मुसीबत में फंस गया तो शिनोय सर से मैंने रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने आपने वो पोस्ट रिसीव किया या नहीं? किया। तुम उससे क्यों छुपाया? नहीं बेटा, वो मैं तुम्हें बचाना चाहती थी, इसलिए शिनोय सर ने कुछ कहने की जरूरत नहीं। लेकिन बेटा मैंने बस कहा ना, कुछ नहीं सुनना मुझे। हे भगवान, क्या हुआ माँ? भैया
अरे कोई और भी है क्या? मैं हूं ना। हाँ, आदि। तुमने आने की खबर नहीं की मुझे। आओ बैठो। सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसमें गुस्से में घर छोड़कर जाने की जरूरत क्या थी? एक काम जाता है तो और लाखों आ जाते हैं, और अगर तुम्हें ऐसा ही बनना है तो फिर वापस अप्लाई करो। अगर फिर भी सिलेक्ट नहीं होते तो कांस्टेबल बन जाओ, बाद में प्रमोशन लेके आगे बढ़ सकते हो ना। कम से कम पुलिस बनने का सपना तो पूरा हो जाएगा, ऐसे घर छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। चलो शुक्र है तुम वापस आ गए। अब जब तक तुम्हें कोई काम नहीं मिल जाता है तुम मेरी हेल्प करोगे, पॉकेट मनी का जुगाड़ तो हो जाएगा ना। और हाँ, तुम्हारा डिसअपॉइंटमेंट दूर करने के लिए मैं तुम्हें एक अच्छी दवाई दूंगा। क्या इस होम्योपैथी से सब कुछ ठीक हो जाता है? इतने साल मेरे साथ काम करने के बाद भी तुम कुछ नहीं समझे? होम्योपैथी से 100% क्योर होता है। फिर आप हमारे इस गवर्नमेंट को ठीक कर दीजिए। हाँ कर दूंगा, पर उन्हें 5 साल तक कंटिन्यूस दवाई लेनी पड़ेगी। तुम्हारे मजाक करने की आदत नहीं गई। हाँ। दीपिका कहाँ है? अच्छा, मतलब तुम मुझसे मिलने नहीं आए हो। बुलाता हूँ। आदि, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, उन्हें गोलियों का डोज समझ के निकलते रहना चाहिए। हाँ, बस यही जिंदगी है। लास्ट ईमेल तो मिला होगा ना? मिला, इसलिए मैं जल्दी चला आया। आने में बहुत देर हो गई क्या? हाँ? It's okay. All the best. Khush raho. Kal hi Vikram charge le raha hai na? Haan. Good night. सभी दर्शकों का अलुवा विजन में स्वागत है। हमारे सर्कल इंस्पेक्टर शिनॉय जी के रिटायरमेंट के बाद उनके बेटे विक्रम सब इंस्पेक्टर पुलिस में ज्वाइन कर रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छी बात है। उन्हें ये कैसा लग रहा है उनसे ही पूछते हैं। Well, ये मेरी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। एंड आई विल डू माई बेस्ट। थैंक यू। ओके सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे लिए भी आज का दिन बहुत अहम है। मैं अपने डिपार्टमेंट के उन सभी ऑफिसर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मैं अपने बेटे विक्रम शेनाय को एसआई बनने की खुशी में मुबारकबाद देता हूं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आप ही का इंतजार कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? सब बढ़िया ना? सब ठीक है सर। बात कर लो सर। थैंक यू। आपके सारे लोगों से पहचान करवा रहा हूँ। आइए सर। चाय चाय। हाँ नमस्कार। कंग्रेट्स। थैंक यू। कंग्रेचुलेशन शंभू जी। हाँ चाय ले आइए। ओके यू कैरी ऑन। बाय बाय।
बहुत दिनों से तुम्हारा सल्यूट मिस कर रहा था मैं, अब तो सल्यूट बनता है, इसीलिए तो आया हूं। शंभू जी हाँ? इन्हें चाय पिलाइए। वापस आ गए? अब आगे से डिसिप्लिन फॉलो करना। जी सर। अच्छा शंभू सर, दूसरों को भी चाय पिलाओ। जी सर। सर मेरे बेटे का भी ख्याल रखिए। वो भी आपको पूरी तरह कोऑपरेट करेगा। ठीक। ओके सर। बाय बाय। सी यू सर। थैंक यू। प्लेजेंट सरप्राइज। आइए। कांग्रेट्स। थैंक यू सर। आइए ना सर प्लीज। यहाँ पास में एक फंक्शन के लिए आया था और पता चला कि यहाँ सेलिब्रेशन चल रहा है, इसीलिए सोचा कि बाप बेटे को विश कर दूँ। थैंक यू सो मच सर। अंदर चलिए। क्या आपके पिताजी? वो भी एक महीने में रिटायर हो रहे हैं, रबर बोर्ड में है। अब क्या है? बाहर वेट करो, मैं अभी सर से बात कर रहा हूँ। ठीक है तो फिर मैं चलता हूं। ओके सर। ओके। आने के लिए शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। हे आदि यार, तू कहां? बहुत बिजी था क्या? एक फोन तो करता। ज्वाइन हो गया क्या? हाँ ज्वाइन हो गया आज सुबह ही। Congrats, dude. सर, रवि सर, ये रवि सर हैं। ओ, हाँ हाँ, पुलिस एसोसिएशन के। आपके बारे में सुना है? बड़े काबिल ऑफिसर हैं ये। हर स्टेट में मुझे गाइड करके इन्होंने काफी मदद की है मेरी। ओ, शिनोय सर को बताया क्या? नहीं। ओ, ये शिनोय वही शिनोय है क्या? अच्छा, तो तुमने अब तक बताया नहीं क्या? नहीं। ठीक है चलो अभी चल के बताते हैं। नो नो इट्स ओके। चलो भी। लोकेशन। अरे रिटायरमेंट के बाद तो तुम्हारे। सर बाद में बात करता हूँ। सर आप इसे जानते हैं? हाँ अच्छी तरह। कौन है ये? आदित्य, सन ऑफ लेट कुंदन कुमार। आदित्य सही कहा। त्रिवेंद्रम से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में पहली बार इस आदित्य सन ऑफ लेट कुंजन से मेरी मुलाकात हुई। मिलते ही मैं समझ गया कि वो परेशान है, अपनी जिंदगी से मायूस है। फिर मिलते हैं। मेरा एड्रेस और फोन नंबर इसमें है, जरूरत पड़ने पर मुझे फोन करना। गाड़ी रुको। उसे उस हाल में छोड़ने का मेरा मन नहीं किया, फिर मैं उसे अपने साथ जबरदस्ती ले गया। मैं क्लास में जाता और आदित्य यहां वहां घूमता फिरता रहता, मुझ पर बोझ ना बने इसीलिए उसे जो काम मिला वो करता गया, कभी किसी काम के लिए शर्माया नहीं।
क्योंकि मेरे पिताजी भी एक सिविल सर्वेंट है, तो जाहिर है कि मैं भी उनकी तरह बनना चाहूंगा। और क्योंकि आदि रास्ता भटक चुका था, इसलिए मैं उसे रास्ता दिखाने की कोशिश में लग गया। और फाइनली एक दिन मेरी कोशिश कामयाब हो गई, वो मेरी बात मानने लग गया। मुझे उसमें कुछ खास बात नजर आई जो औरों से अलग थी, इसलिए मैंने उसे अपने ही इंस्टीट्यूट में एक इवनिंग क्लासेस लगवा दी। वो उस बात से बहुत खुश था। इवनिंग क्लासेस के साथ साथ वो एक पार्ट टाइम जॉब करने भी लगा। वहां मैं अपने फ्लैट में आराम से पढ़ाई कर रहा हूं और आदित्य भी पढ़ाई कर रहा है, इस बात की मुझे बिल्कुल भी खबर नहीं थी। सिविल सर्विस के रिजल्ट वाले दिन सिलेक्शन लिस्ट में मेरा नाम देखने के लिए आदि मुझसे भी ज्यादा बेचैन लग रहा था। पर खुद का नाम देखने के लिए उसमें बेचैनी बिल्कुल भी नहीं थी। शायद वो जानता था उसका नाम नहीं होगा। इधर आ, क्या हुआ? Hey, yes! आदित्य, ये देख तेरा नाम। आदित्य, कांग्रेट्स ड्यूड, तूने कर दिखाया आदि। मेहनत करने वालों की किस्मत भी साथ देती है। छोटे मौके हाथ से इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि बड़े मौके आपका इंतजार कर रहे होते हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते जाते रहते हैं। हमें उनसे डरना नहीं है बल्कि हमेशा उनका सामना करना है। हमारी नजरें हमेशा लक्ष्य की ओर होनी चाहिए, तब जीत खुद अपनी ओर खींची चली आती है। अपनी ट्रेनिंग के आखिरी स्टेज के दौरान मुझे फील्ड ट्रेनिंग के सिलसिले में अपनी टीम के साथ केरला भेजा गया, उन्हीं यादों के बीच जिन्हें मैं भुलाना चाह रहा था। और वापस दिल्ली लौटने से पहले मैं अपने गांव गया और वहां जी भर के सभी को देखा। सबसे मिलने का तो बहुत मन था पर मेरा लक्ष्य अधूरा था, इसलिए मैं उन्हें अपना चेहरा दिखाने में थोड़ी शर्म महसूस कर रहा था। इस पूरी यात्रा में जो मेरा हम सफर बना, जिसने मेरा हाथ थाम कर मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला,
वो है मेरा दोस्त लोकेश। इसने मेरे अंदर आत्मविश्वास जगाकर मुझे लड़ना सिखाया। Meet your new ACP, Aditya, IPS. Sir, welcome to the police department. Sir, ये हमारे senior officer. आपको retirement से पहले इन्हें salute करने का मौका मिला, तो एक आखिरी कड़क salute करी दो sir. विक्रम को मत बताना, आज उसका दिन है। वैसे भी तुम्हारी स्वीट रिवेंज अंदर पूरी हो गई। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, मैं निकलता हूँ। थैंक्स, चलता हूँ। सर, आदि, जा रहे हो तो इसे भी अपने साथ ले जाओ। इसने हमेशा से तुम्हें ही चाहा है। तक पहुंचने में देर तो लगेगी, मगर पहुंचूंगा जरूर।
बॉडी जोड़े मानो ना मानो यारो दोनों का अंदाज है जटा विक्रमादित्यम विक्रमादित्यम एक दीवाना एक है पागल नाम है इसका विक्रमादित्यम 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 विक्रमादित्यम